वेव ऑप्टिक्स में आज देखेंगे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो पहले समझते हैं वेव के बारे में थोड़ा। हमने देखा है कि बारिश के मौसम में जब पानी भर जाता है मैदान में या सड़क पर, और उसके बाद उसके ऊपर कोई रेन ड्रॉप गिरती है, तो उसमें एक वेव पैदा होती है, एक तरंग होती है पानी के अंदर। दरअसल वो रेन ड्रॉप जिस पार्ट पर, जिस पार्टिकल पर गिरती है पानी के, वो पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाता है और वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगता है, यानी ऑक्सीलेट करता है वाई डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। और वो डिस्टर्बेंस जो होता है पार्टिकल का, वो पार्टिकल टू पार्टिकल आगे बढ़ता जाता है और हमको चारों तरफ वेव्स बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हम इसको पिक्चर में देखेंगे तो ये इस तरह से, ये रेन ड्रॉप है या वाटर ड्रॉप है और ये किसी ठहरे हुए पानी में आकर गिर रहा है, तो इस जगह पर जो पार्टिकल है पानी का वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाता है। और सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बनने के बाद ये पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाता है और ये हमको एक वेव्स मिलती है। तो इस वेव का ये जो हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। उभरे हुए हिस्से को क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है इसे कहते हैं ट्रफ। और ये जो, अगर सारे ट्रफ को या सारे क्रेस्ट को हम जोड़ दें, मिला लें आपस में, तो ये बन जाएगा हमारा वेव फ्रंट। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसको समझ भी चुके हैं काफ़ी। अगर इसको हम डायग्राम में देखना चाहें तो ऐसे दिखाई देगा कि ऐसे ये वेव है और ये वेव का जो ऊपर का हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा, ये कहलाता है क्रेस्ट और ये ट्रफ। और ये एक साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से चली वाई डायरेक्शन में, ये ज़ीरो पे आई, फिर नीचे आई निगेटिव वाई डायरेक्शन में और ये फिर ज़ीरो पे आ गई। तो ये हमारा एक साइकिल पूरा हो गया। तो एक साइकिल की जो डिस्टेंस होती है इसे वेव लेंथ कहते हैं और इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। और मीन पोजिशन से वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये ऊपर साइड में पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक ही मीडियम में साइमल्टेनियसली ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो किसी एक पॉइंट पर उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड उन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पहली वेव जिसका एम्पलीट्यूड y1 है और दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड y2 है, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा उसका वेक्टर सम होगा, यानी y1 प्लस y2। अब समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ये एक फिजिकल इफेक्ट है सुपरपोजिशन का। द फिजिकल इफेक्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम द सोर्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अगर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, दोनों का एम्पलीट्यूड एक जैसा है, और वो जाकर सुपर इम्पोज होती हैं किसी पॉइंट पर, तो उस इफेक्ट को, उस फिजिकल इफेक्ट को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब ये किस तरह से होता है, सुपरपोजिशन कैसे होती है? देखिए, वेव्स की सुपरपोजिशन के पहले वेव किस फॉर्म में होती है और सुपरपोजिशन के बाद किस फॉर्म में होती है। ये दो वेव्स एक साथ जा रही हैं, मिली हैं, और इनकी ये रिजल्टेंट वेव बनी है। ये वेव का क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। तो पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का क्रेस्ट, ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। यहाँ पर पहली वेव का ट्रफ और दूसरी वेव का ट्रफ मिल रहा है, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। जैसे इसकी मान लीजिए एम्पलीट्यूड y1 है और इसका एम्पलीट्यूड y2 है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलेगा हमको, ये y1 प्लस y2 होगा।
रिजल्टेंट y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ये दूसरी वेव देखिए, यहाँ पर एक वेव का क्रेस्ट है और एक का ट्रफ है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा ये मैक्स, इसमें से ये माइनस हो जाएगी। सपोज़ ये 10 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमको 7 सेंटीमीटर का मिलेगा। तो अगर ये y1 है और ये y2 है, तो यहाँ पर हमको y1 माइनस y2 मिलेगा, इसका रिजल्टेंट। यानी y1 में ऐड करते हैं माइनस y2, तो y1 माइनस y2। अब देखिए ये दो वेव्स हैं, लगभग लगभग बराबर एम्पलीट्यूड की हैं ये, तो एक का एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरे का y2 है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट हमको y1 माइनस y2, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और हमको मिनिमम एनर्जी मिलेगी यहाँ पर, मिनिमम लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर मिनिमम होगी। इसका रिजल्टेंट y इज इक्वल टू वाई वन प्लस माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई वन माइनस टू, अगर ये दोनों बराबर होते हैं बिल्कुल, तो ये हो जाएगी ज़ीरो, यहाँ पर रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। हमने देखा है लाइट का स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, तो हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो उसमें से जो एक हम छाट लेंगे कोई भी सिंगल वेवलेंथ की लाइट, तो उसको हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। और दूसरा टर्म हमारे पास है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, टू नैरो सोर्स ऑफ लाइट सेट टू बी कोहेरेंट इफ द इमिट वेव हैविंग द सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड कॉन्स्टेंट फेज रिलेशन बिटवीन देम। इनका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो, फेज डिफरेंस ना हो, इनका एम्पलीट्यूड बराबर हो, इनका इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो, वेवलेंथ बराबर हो, ऐसे दो वेव्स जो होंगी उसको हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, जिस सोर्स से ये दो वेव निकलें। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट यंग ने 1801 या 1802 में किया था, तो इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये सोर्स है मोनोक्रोमिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये इसकी वेव्स आ रही हैं, और हमको ये हमने हाइजीन थ्योरी में पढ़ा है कि किसी भी वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये नया सोर्स की तरह एक्ट करते हैं और ये फिर नई वेवलेट्स बनाते हैं। तो यहाँ का पार्टिकल भी वेवलेट बनाएगा और इस जगह जो पार्टिकल है वो भी वेवलेट बनाएगा, तो ये नई वेव्स बनेंगी इसकी और इधर से भी वेव्स बनेंगी इसमें से भी, और ये सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे को। तो अगर पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिल रहा है सुपर इम्पोज कर रहा है तो वहाँ की इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लगभग ज़ीरो। तो वहाँ पर हमको एक डार्क स्पॉट दिखाई देगा, कि स्क्रीन के ऊपर हम इस पैटर्न को देखें तो हमको ब्राइट वहाँ दिखाई देगा जहाँ पर दोनों वेव्स की क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहे हो और ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा हो। लेकिन अगर क्रेस्ट के साथ ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है और ट्रफ के साथ क्रेस्ट सुपर इम्पोज हो रहा है तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, तो हमको डार्क स्पॉट मिलेगा, यहाँ पर डार्क स्पॉट होगा, ये ब्राइट स्पॉट मिलेगा, फिर डार्क स्पॉट मिलेगा, इस तरह का पैटर्न हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो अगर दो लाइट वेव्स एक के क्रस्ट के साथ दूसरे का क्रस्ट मिल रहा है या उसके ट्रफ के साथ दूसरे का ट्रफ मिल रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा एम्पलीट्यूड का, तो उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव्स में देखिए सो कैसे है, ये दोनों वेव्स एक साथ चल रही हैं, दोनों में देखिए क्रस्ट के साथ क्रस्ट है और ट्रफ के साथ ट्रफ है, तो इसकी मैक्सिमम ये रिजल्टेंट मिल रहा है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यहाँ पर। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जब दोनों वेव्स में से एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करेगा तो वहाँ पर हमको रिजल्टेंट ज़ीरो मिलेगा,
तो उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव्स में ऐसे दिखाई देगा, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले इसको देखा था कि ये क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिल रहा है और इसके ट्रफ के साथ इसका क्रेस्ट मिल रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बहुत कम होगा, मिनिमम यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।